चार साल हो गया चालू करके। तो ये उस्मानाबाद स्टेशन से अगर आए तो किस तरीके से आना होगा, कितनी दूरी पे वाकिफ है भाई? तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर पे है वो स्टेशन। स्टेशन 10 या 12 किलोमीटर पे, ज़्यादा होता लेकिन 10 12 किलो का अंदाज़ा पकड़ रहे हैं हम जी। तो वहाँ से बसेस रहते, बस वगैरह आती है। ये हज़रत ताजुद्दीन बाबा के अहिल्या हैं, ये सामने ये हज़रत ताजुद्दीन बाबा के अहिल्या है, जो आपकी अहिल्या है जी, माशाल्लाह जी जी। और कुछ जान, और वो सामने जो हैं बैठे हैं आदमी लोग, वो सामने हज़रत के अहिल्या हैं, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन गाज़ी है के अहिल्या। ये सफ़ेद गुंबद के, सफ़ेद गुंबद के अंदर जी जी। और उनके बाजू बाहर बाजू में जाली के अंदर हैं खान बड़े साहब हैं, वो आप हज़रत की खिदमत में हमेशा रहते थे। तो खान बड़े साहब बोल के एक अरबी में उनके मालूमाती हो जाती है अरबी में, यानी कि खिदमत करने वाले हज़रत के साथ में बैठे होते, वज़ू को पानी देना, साफ़ सफाई करना, हज़रत की खिदमत करना। खान बोले तो पीटी हो गई जी, और बड़े बड़े साहब बोलते सबसे बड़े। ये सज्जादे नशीन दोनों छोटे, पहले ये पहले दोनों छोटे सज्जादे नशीन सबसे पहले ये। शिजरा नसब है, हाँ शिजरा नसब, वो भी देख लो हज़रत का शिजरा नसब है ना पूरा वहाँ पर से। रजब की 15 तारीख, रजब की 15 या 28 को आने वाले 28 बताए। खान बड़े साहब की दिखा दो मज़ा। खान बड़े साहब, ये खान बड़े साहब हज़रत की खिदमत में रहते थे हमेशा, रात दिन उनके खिदमत में रहना। तो खान बोल तो पीठी का हो गया नाम अरबी में, और जो है सो उन वो बड़े बड़े साहब सबसे बड़े, यानी कि सब मुरीदीन भी आपके साथ में हैं हज़रत के साथ में, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन गाज़ी के साथ में। और ये उनके अहले हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन गाज़ी बड़े माँ साहब है। यहाँ पर जो लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कों की शादी नहीं होती, बड़े माँ साहब के पास जो कि ऐसे नारे बांधते हैं, कुछ शादी के जबने के बाद चूड़ियाँ गिलाफ चादर जो भी कुछ है सो ला के चढ़ा देते, हल्दी मेहंदी लगा देते जी, बड़ी माँ साहब ये सब। और बताइए हज़रत ख्वाजा हज़रत शमसुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जी भाई साहब, आइए सामने गुम्बद जो नज़र आ रही है जी, वहाँ जा रहे हैं। आपको जाना है तो चलेंगे वहाँ पर, नहीं तो फिर यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ से। मैं तो इसी रास्ता देखिए जी, ये हज़रत मगन काका ही अंदर, ये भाजन बताए थे, ये हज़रत मगन सरकार है। अफगानिस्तान से आप तशरीफ लाए हैं यहाँ पर? अफगानिस्तान से जी, माशाल्लाह जी। और अभी तकरीबन नए 55 साल हो गए यहाँ पर, उन्होंने आराम फरमा है यहाँ से। अफगानिस्तान से उनके शादी नहीं हो गई, कुछ नहीं है, शादी का रस्माना जब चालू था मालूम होगा तो ये क्या कर रहे, तो शादी तो वहाँ से गुस्से में निकल के आए थे, ऐसे नालबंद है आप, ऐसे निकल के आए वहाँ से अफगानिस्तान से सीधा के यहाँ पर एक हुजरे में रह गए, और फिर बाद में यहाँ पर खुले में दफन हो गए उन्होंने। तो फिर उनके भतीजे थे, उनको मालूम हुआ ख्वाब में जाके बताया कि मैं फला फला मुकाम पे हूँ, आके वहाँ पर मेरे को ज़रा छांव बना दे, मैं खुले में हूँ।
तो उनके भतीजे करीम काका, उनकी मज़ार है करीम काका की, ये करीम काका आराम फरमा रहे, हम इनके मज़ार को मकान जो बनाते थे हम खुदाई करे थे। कितने साल हो गए? तारीख वहाँ पर लिखे थे 55 साल के करीब होगा तकरीबन। मलंग काका 1350 ये जो मज़ार मुबारक आप बताए हैं ये इनकी है? कौन से? इनके बड़े भाई, यानी कि इनके बड़े भाई का नाम है मज़ारुद्दीन। मज़ारुद्दीन मज़ारुद्दीन नाम है आपका जी। अब उनके मज़ार पे आपको लेके जा रहे हैं, देख लो अंदर पे जी। जी हजरत मज़ारुद्दीन बड़े भाई, उनके उनके फर्जन और उनके अहलिया यहाँ तीनों आराम फरमा हैं। यहाँ पर मंजले भाई यानी कि हजरत से बड़े हैं ये जी। वज़ू करने का पानी का मकसीज़ा लेके जाते थे यहाँ से, हज़रत को वज़ू करने की बावली थी यहाँ पर, अभी भी है बावली, लेकिन अभी दूसरे तामीर कर दिया उसको। पहले के जो पत्थर का काम है, काले पत्थर का जी जी, वो पहले का पुराना काम है, बाद में ये साइड से दूसरा बना दिए जी। वो अरबी स्कूल है, वो दारुल उलूम शमशिया हज़रत के नाम का चल रहा है, दारुल उलूम शमशिया, और वो एक मीनार एक मस्जिद एक ही आदमी ने खर्चा करके उनके अम्मी के ईसाई साहब के वास्ते बना दिए, काजी के ईसाई साहब के वास्ते इतनी बड़ी दो माला बनाई मस्जिद वो, और एक मीनार बनाई दी जी, एक मीनार मस्जिद से मालूमात है। ये मदरसा है, गुम्बद नज़र आ रहा है, खिजरा है गुम्बद खिजरा मदरसा रबी, तकरीबन 500-600 बच्चा पर तालीम पाता है जी। जाफ़र मौलाना बोल के हैं, उन्होंने स्कूल चलाते पूरा वो जी। अभी लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पे है, बच्चे नहीं आए भी जी। अभी एक महीने का से कई को लेके आने का बोल के छोड़ दिया, अभी रमज़ान में तो छुट्टी ऐसे भी हो जाती है रजब में जी, इस वजह से बंद रखे। जो उर्स में जैसे कि जो लोग आते हैं यहाँ पे जी, तो उन लोग को रुकने के लिए और रहने के लिए कुछ इंतज़ाम यहाँ पे है या बाहर को? ये ऊपर हाल में रहते हैं, बड़े हाल जो बने ही है, वज़ू खाना नीचे है जी जी, जो बैतुल खला वगैरह सब नीचे है, लेकिन ऊपर हाल है उसके अंदर रहते, कोई ऐसे खुले में रह जाते, कोई टेंशन अच्छा नहीं है। अभी चालू हो गई है, चालू कर दिए, चालू कर दिया ना, चलो 4 साल हो गया चालू कर दिए। उस्मानाबाद स्टेशन से अगर आए तो किस तरीके से आना होगा, कितनी दूरी पर वाकिफ है भाई? तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर पे है वो स्टेशन। 10 या 12 किलोमीटर ज़्यादा होता, लेकिन 10-12 किलो का अंदाजा पकड़ रहे हैं हम जी। तो वहाँ से बस ऐसे रहते, बस वगैरह हाँ बस रहते, कोई ऑटो रिक्शा वाले वो सब लेके आ जाते हैं यहाँ पर, 40 रुपये में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, 40 रुपये में यहाँ पर जी।
एक बच्चे आदमी कोई भी रहो 1 40 रुपये लेते हैं सीट को। के साथ में भी जो आए हैं उन्हें के बारे में भी काफ़ी सारी मालूमात दी है भाईन, जो भी आपने हमें हमारे नाज़िम को मालूमात दी, उम्मीद करते हैं हमारे नाज़िम को पसंद आएगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए हमें। इंशाल्लाह अस्सलाम। सलाम पढ़ने दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और नाज़िन अभी हम गढ़ पीर की तरफ जा रहे हैं जो उस्मानाबाद में दूसरी बड़ी दरगाह है, तो इंशाल्लाह वीडियो पर बने रहिए। वो वीडियो अगले पार्ट में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।